2007 की कैरेमल मूवी आज मैं सुनाने जा रही हूँ। डायरेक्टर नदीन लबा की IMDb रेटिंग 7.1। ये कहानी है 5 महिलाओं की, उनके रोजमर्रा की जीवनी की, जो कहीं ना कहीं हर एक की कहानी से मिलती है। दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट पक्के से देते रहे और चैनल भी सब्सक्राइब करें ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए। लेबनिस के बेरूत शहर में लायल एक ब्यूटी पार्लर चलाती है। रोज की तरह सुबह पार्लर खुल चुका है। नए पुराने कस्टमर्स का यहाँ रोज का आना जाना है। देर हो रही है। जमील ने लायल से कहा, मुझे ऑडिशन के लिए जाना है, क्या मुझे तुम पहले तैयार कर दोगी? जमील यहाँ के बहुत पुराने कस्टमर है। तभी फोन की घंटी बजते ही लायल का ध्यान उस तरफ गया, जैसे उसे किसी का इंतजार हो। नसरी ने फोन उठाया, वो यहाँ ब्यूटी पार्लर में काम करती है। लायल, कोई तुम्हारे लिए पूछ रहा है, उसने हड़बड़ी में नसरीन से फोन ले लिया। नसरीन उसे देख रही है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा और ना ही लायल उसे इस आदमी के बारे में बताती है। नसरीन को दुकान संभाल लेना कहकर वो तुरंत निकल गई। सड़क के उस पार उसकी गाड़ी खड़ी है। चलती गाड़ियों को हाथ दिखाते हुए उसने रास्ता पार किया। वही लिली उसकी गाड़ी के नीचे से कुछ निकालने की कोशिश कर रही है। पूछने पर वो बोली, वहाँ एक कागज पड़ा है। लिली एक अधेड़ उम्र की महिला है, यही पास में रहती है। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं। लायल ने गाड़ी में पड़ी कुछ कागज उठाकर उसे पकड़ाते हुए बोला, अब आप सीधा घर चले जाना। अगले सिग्नल पर पहुंचने से पहले ही पीछे से हॉर्न बजाते हुए बाइक में एक पुलिस वाला आया। वो यूसुफ है। वो जानबूझकर बहाने बनाता है उससे बातें करने का। आज कहने लगा, मैडम आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी और लायल को ये बात पता है, इसलिए उसे भाव नहीं देती। आगे जाकर लायल एक सुनसान जगह पर किसी आदमी से मिली। उसका नाम रबी है। वो दोनों प्यार में हैं। जब लायल वापस दुकान पर आई, जमील और नसरीन में कहासुनी हो रही है, क्योंकि जमील को सुंदर दिखना है किसी मैगजीन में खड़ी लड़की की तरह। वो उसके काम से बिल्कुल खुश नहीं और नसरीन उससे कह रही है, ये मैगजीन की लड़की तुम्हारी बेटी की उम्र की है, कोई भी तुम्हें इस जैसा नहीं बना सकता। इतनी में लायल आई और बात अपने हाथ में ले लिया। किसी तरह जमील को खुश कर उसे शांत किया। अब ब्यूटी पार्लर बंद कर सब अपने घर की तरफ चल दिए। रीमा उसी पार्लर में काम करती है। वहां से निकलकर पास के एक दर्जी की दुकान गई, जिसे रोज नाम की एक उम्रदार महिला चलाती है। लिली असल में रोज की ही बड़ी बहन है और दोनों साथ रहते हैं। लिली की ऐसी हालत की वजह से पूरी उम्र रोज ने उसकी देखभाल की, कभी अपना परिवार बनाने का, शादी करने का नहीं सोचा और देखते देखते उसकी भी उम्र ढलने लगी। वहां से निकलकर रीमा ने बस पकड़ी। रीमा की चाल ढाल में लड़कियों वाली अदाई बिल्कुल नहीं है। छोटे बाल और हमेशा एक पतलून और शर्ट डाले रहती है। अगले बस स्टॉप पर एक लड़की आकर उसके पास बैठी और रीमा का ध्यान बार बार उस पर जा रहा है। यहाँ नसरीन अपने मंगेतर बसम के साथ उनके घर डिनर पर जा रही है। बसम का परिवार थोड़े पिछले ख्यालात का है, इसलिए नसरीन भी अपना हुलिया ठीक कर रही है, बाल को पीछे बांध लिया और शर्ट के बाजू के बटन लगा रही है। डिनर के बाद रास्ते में गाड़ी में ही उनकी अनबन हो गई। कुछ देर से उनकी गाड़ी को देख रहा पुलिस उनके पास आया और बोला, यू इस तरह सुनसान रास्ते में गाड़ी रोकना ठीक नहीं है और ऊपर से तुम दोनों शादीशुदा भी नहीं हो। इस बात पर बसम की उससे बहस हो गई और बात हाथापाई तक उतर आई। पूरे परिवार को जाकर बसम को जेल से छुड़ाना पड़ा। अब यहाँ काम के बीच लायल, रीमा, जमील नसरीन की होने वाली शादी पे नाच गाना कर रही है। तभी बाहर से लिली के चिल्लाने की आवाज आई। निकलकर देखा तो लिली यूसुफ पर गुस्सा कर रही है, क्योंकि वो उसे गाड़ियों पे लगे चलान के कागज बटोरने नहीं दे रहा। उसकी बातें सुनकर सबको हंसी आ गई। नसरीन ने किसी तरह लिली को संभाला। इतने में रोज भी आ पहुंची और लिली को ले गई। नसरीन को मालूम है कि यूसुफ लायल को पसंद करता है। वो बोली, तुम इस इलाके में अपना काम बखूबी कर रहे हो, इसी बहाने कभी हमारे ब्यूटी पार्लर में भी चले आना। यहाँ अंदर आकर लिली रोज पर बहुत गुस्सा कर रही है और रोज उसे समझाने की कोशिश कर रही है। तभी एक ग्राहक अंदर आया, लंबा चौड़ा, लगभग 60 से ऊपर उम्र होगी। उसका नाम चार्ल्स है। लिली उसे देखने के बाद अंदर ना जाने की और जिद पकड़ ली। किसी तरह रोज ने उसे कमरे में भेजा। चार्ल्स को अपना कोई पुराना सूट छोटा करवाना है। वो रह कर रोज पर गौर कर रहा है। शायद वो भी जिंदगी में अकेला है। एक हमसफर कई रिश्तों की कमी को पूरा कर सकता है। रोज ने भी ये ख्याल किया। तभी लिली अंदर से सज धज कर आई और चार्ल्स के इर्द गिर्द नाचने लगी, जिसे देख दोनों हंस पड़े।
कुछ दिनों बाद रोज लायल के ब्यूटी पार्लर आई, उस दिन रीमा जो कपड़े सिलने दे गई थी उसे लौटाने। सबने रोज को अंदर आकर उनके साथ एक कॉफी पीने को कहा। अभी कोई कस्टमर नहीं है तो क्यों ना वो रोज को एक अच्छा सा हेयर कट दे दे। मगर रोज ने मना कर दिया कि लिली को घर पर अकेला छोड़कर आई हूँ, जल्दी जाना होगा। उनको रोज के लिए बहुत बुरा लगता है, वो जवानी में इतनी खूबसूरत थी और अब भी है, मगर हमेशा लिली के बारे में खुद से पहले सोचा। आजकल कहाँ ऐसे लोग मिलते हैं। उसके जाने के बाद सिहम नाम की एक और कस्टमर आई, जिसे देखकर रीमा की आंखों में चमक सी आ गई। सिहम को बाल कटवाने हैं, रीमा उसके बाल धुलवाने ले गई। यहाँ कमरे में बैठी लायल को फिर से उस रभी का फोन आया। मुंह दूसरी तरफ कर उसने बात की। नसरीन को ये तो मालूम है कि कोई आदमी उसकी जिंदगी में है, मगर लायल कभी उसका जिक्र नहीं करती। नसरीन के साथ इतना वक्त गुजारने के बाद भी कुछ नहीं बताती कि वो कौन है, क्या करता है, सब कुछ जैसे छुपा कर रखना चाहती है। वो झट से बैग लेकर निकल गई। रबी और लायल कभी किसी पब्लिक जगह में नहीं, बल्कि हमेशा किसी सुनसान जगह पर मिलते हैं कि कहीं उन्हें कोई साथ देख ना ले। वापस आई तो देखा, ओह, उसका बटवा तो गाड़ी में ही छूट गया है। ब्यूटी पार्लर पहुंचकर उसने उसे फोन किया। यहाँ यूसुफ ब्यूटी पार्लर के ठीक सामने वाली कॉफी की दुकान से उसके आने का इंतजार कर रहा है। लायल फोन पर है, उसे मालूम है उसकी जिंदगी में कोई और है, मगर उसका शर्माना हंसना मानो यूसुफ को अपने लिए लग रहा है। प्यार भी अजीब होता है ना, पता नहीं हमसे क्या कुछ करवाता है। पार्लर बंद करने के वक्त रोज एक डिलीवरी वाला पार्लर में लगने वाले कॉस्मेटिक्स वगैरह देने आता है, और वहाँ रीमा से उसकी मुलाकात हुई। उसने एक दिन रीमा से कहा, कहीं छोड़ दो तुम्हें। पता नहीं क्यों रीमा को फर्क नहीं पड़ता कि कोई लड़का उसे रिझाने की कोशिश कर रहा है, शायद उसे इन सब में रुचि नहीं है। और फिर एक दिन वही सिहम उनके यहाँ आई और वो रीमा को देख मुस्कुराई। रीमा भी इतने दिनों से जैसे उसके वापस आने की राह देख रही थी। दोनों अपना काम करते हुए खामोशी से अच्छा वक्त बिता रहे हैं। यहाँ चार्ल्स जब अपनी फिट कराने दी सूट लेने आया, लिली उसे देखते ही अजीब बर्ताव करना शुरू कर देती। मजबूरन रोज को उसे कमरे में बंद करना पड़ता। चार्ल्स उसके हालात समझने लगा है। एक बूढ़ी बहन की जिम्मेदारी ने उसे ही बूढ़ा कर दिया, और हर बार दोबारा आने के बहाने से वो रोज को पतलून और कुछ इंच छोटा कर देने को कहता, और फिर दोनों धीरे से मुस्कुराते। इधर जमील ब्यूटी पार्लर में क्यों सजने जाती है? क्योंकि वो बार बार ऑडिशन देने जाती है। शादी से पहले वो एक एक्ट्रेस थी, उसने कई एड्स कंपनी के साथ काम भी किए। उसे उम्मीद थी कि वो आगे अच्छा करेगी, मगर सच तो ये है कि वो अब पहले की तरह हसीन और जवान नहीं रही। बच्चे बड़े होने लगे हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी है, वो अब थकने लगी है बार बार की कोशिशों से। दुख तो इस बात का है कि उसे पता भी नहीं चला कि कब उसका करियर खत्म हो गया, बस कोशिश और नाकामियां जारी है। इधर लायल अपने घर पर बैठी है, कुछ दिनों से परेशान है क्योंकि रबी ने उसे फोन नहीं किया। परिवार से नजरें चुरा कर उसने उसे फोन भी किया, मगर उसने हेलो बोलकर फोन काट दिया। काम पर भी रीमा उसे गौर कर रही है, वो वहाँ होकर भी वहाँ नहीं है। रबी का बटवा अभी भी उसके पास ही पड़ा है। जब उसने उसे टटोला तो अंदर से रबी की बीवी बच्चे की तस्वीर निकली। हालांकि ये बात पहले से पता होने के बावजूद वो उसके साथ इस रिश्ते में है। मिलनसार और खुशमिजाज होने के बावजूद यही वजह है कि लायल कभी भी अपने दोस्तों को उसके बारे में नहीं बता पाती। उसके बीवी बच्चे की तस्वीर ने उसे अंदर तक झंझोड़ दिया। इन्हीं की वजह से वो उसे दूर है। वो एक बार के लिए उसे अपना बनाना चाहती है, जिसके बाद शायद रबी अपनी बीवी के पास और वो निकल पड़ी होटल में कमरा बुक करने के लिए। मगर हर जगह उससे आईडी प्रूफ मांगे जा रहे हैं, जो कि वो देना नहीं चाहती। कई अच्छे होटल्स में कोशिश करने के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंची जहां अच्छे घर की लड़कियां नहीं जाती। उसे रबी के लिए ये तक भी मंजूर है, सब कुछ खुद ही खरीद कर ले आई। फूलों का गुलदस्ता, कैंडल, केक्स, पर्दे। इस कमरे की हालत बहुत खराब है। पूरे दिन लगाकर उसने कमरे का एक एक कोना साफ किया। उसे लग रहा है कि इस तरह वो रबी को अपने पास रोक पाएगी, और इंतजार करते करते सो गई। यहाँ चार्ल्स रोज की दुकान पे आया है, लगता है दोपहर को बंद रहता है। उसने उसके लिए एक खत छोड़ना चाहा, मगर अंदर से उसे लिली झांक रही है। शायद लिली भी उसे पसंद करने लगी है। वो वहां से चला गया। शाम तक चार्ल्स का इंतजार करने के बाद उनके उम्र की झिझक उसे और रोक ना सकी, और वो खुद उसके पते पर मिलने पहुंची। उसका पतलून भी साथ में है। प्यार करने के 100 बहाने मिल जाते हैं। अब इधर लायल की नींद खुली, शाम गुजर चुकी है। एक मैसेज आया है, मैं नहीं आ सकता।
लायल को अपनी बेवकूफी पर हंसी आ रही है। किसे धोखा दे रही है वो? खुद को। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसकी ब्यूटी पार्लर की सहेलियां निसरीन, रीमा और जमील आई है। लायल उन्हें देखते ही रो पड़ी। उसने कह दिया, मैं उसके लिए आज एक वैश्या भी बनने जा रही थी। कैसे नजर मिलाऊंगी घर जाकर अपने माँ बाप से? ये कैसा प्यार किया है मैंने? कभी कभी तो मन करता है मैं उसकी बीवी से मिलूं, देखूं क्या खास है उसमें जो वो मेरे पास नहीं आ सकता। नसरीन ने भी अपनी परेशानी बताई। तुम एक अकेली ही परेशान नहीं हो। पता नहीं मुझे बसम जैसा अच्छा आदमी कैसे मिल गया। मैं उसे धोखे में नहीं रखना चाहती। वो पहला मर्द नहीं है मेरी जिंदगी में, ना ही मैं वर्जिन हूँ। मुझे डर है कि शादी की पहली ही रात उसे पता चल जाएगा। अब यहाँ सिहम समय समय पर ब्यूटी पार्लर आती रहती और हर बार उसे रीमा को दिया जाता। एक दफा रीमा ने उससे कहा, तुम बाल छोटे क्यों नहीं करवा लेती, अच्छी लगोगी। मेरे माँ बाप कभी नहीं मानेंगे। और वो सोच में पड़ गई, आखिर किस किस चीज के लिए इजाजत मांगेंगे? अपने वजूद के लिए भी क्या वो परिवार से मर्जी लेने जाएगी? अब एक दिन रबी की बीवी लायल के ब्यूटी पार्लर में आई। उसे यहाँ से फोन आया था कि कोई ऑफर चल रहा है। वो फोन दरअसल लायल ने ही किया था। निसरीन ने उसे अंदर भेजा, जहाँ लायल उससे जलती हुई टेढ़ी आंखों से उसे देख रही है और जानबूझकर चाह रही है कि उसे दर्द हो। पर ताजुब की बात है, वो एक अच्छी महिला निकली। उसने एक बार भी लायल को बुरा भला नहीं कहा। लायल समझ गई कि कमी इस महिला में नहीं है, वो भली है। कसूर सिर्फ और सिर्फ रबी का है, जो इतनी अच्छी बीवी होते हुए भी किसी और में दिलचस्पी लेता है। जाते जाते वो महिला लायल के मन की कितनी ही सवालों के जवाब दे गई। अब एक दिन हिम्मत कर यूसुफ ब्यूटी पार्लर के अंदर तक आया। उसे देखकर नसरीन काफी खुश हुई और लायल को आवाज दी। अंदर आने के बाद से उसकी नजरें लायल को ही ढूंढ रही है। लायल भी उसे कमरे के एक कोने से देख रही है। पहले तो दोनों ने मिलकर उसकी थोड़ी खिंचाई की, पर यूसुफ ने चू तक नहीं की। वो बस लायल के आगोश तले लेटा रहा। उसके जाने के बाद से लायल देर रात तक उसके बारे में सोचकर मुस्कुराती रही। और वहाँ यूसुफ भी खुश है। उस दिन वहाँ एक और कमाल हो गया। आज रोज अपने बालों के साथ कुछ करना चाहती है, वो थोड़ी अच्छी लगना चाहती है। चार्ल्स ने उसके दुकान के बाहर शीशे पर एक नोट छोड़ा है, आज कॉफी पर मिल सकते हैं। जैसे वो अब इस एहसास को और दबाना नहीं चाहती। निसरीन और रीमा उसे जिंदगी में आगे बढ़ता देख बेहद खुश है। वो जल्दी से उसके साथ जुट गए। अब यहाँ लायल को फिर से रबी की बीवी का कॉल आया। आज उनकी एनिवर्सरी है, जिसके लिए उसे तैयार होने में मदद चाहिए। वहाँ लायल उसकी 5 साल की एक प्यारी सी बेटी से भी मिली। और पिछली बार की तरह इस बार भी उसकी बीवी ने बहुत अच्छा बर्ताव किया और टिप्स भी दिए। हर बार लायल सोच कर रह जाती कि वो उसे सब बता देगी, मगर रबी के लिए नहीं, बल्कि उसके बीवी बच्चे का दिल तोड़ने की हिम्मत नहीं होती उसे। शाम को जाने के लिए तैयार होती रोज को लिली बार बार कभी लाइट ऑन कभी लाइट ऑफ करके परेशान कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि वो किससे मिलने जा रही है और वो नहीं चाहती रोज वहां जाए। तंग आकर रोज ने उसे कमरे में बंद कर दिया, मगर फिर भी लिली की आवाज उस तक पहुंच रही है। लेकिन लिली की बचकानी हरकतों के पीछे एक डर है कि कहीं रोज उसे अकेला छोड़कर ना चली जाए। लिली को कभी रोज ने बोझ नहीं माना, या उसके साथ वो कोई मजबूरी में नहीं रह रही। किसी और को जिंदगी में जगह देने से वो उस तरह लिली के साथ हमेशा रह सकेगी जिसकी वो आदी है। लिली का साथ देना उसका फैसला था, और आज भी उसने सबसे ऊपर फिर से लिली को चुना, क्योंकि वो उसे जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करती है। और लिली की जिंदगी में भी रोज के अलावा और तो कोई नहीं है। यहाँ चार्ल्स अकेला उसका इंतजार करने के बाद वहां से चला गया। अब नसरीन की शादी की तैयारियां शुरू हो गई, और वो सब रीमा को एक बार के लिए लड़की की तरह सजा हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि उसकी हरकतें रहन सहन में बिल्कुल लड़कियों वाली बात नहीं है। बाहर कोई जोर जोर से हॉर्न बजा रहा है। कई दफा लायल का फोन भी बजा। सबको मालूम है कि रहीब आया है। इतने दिन गायब रहने के बाद अब उसे अचानक लायल की याद आ गई, पर लायल ने न फोन उठाया न बाहर गई। बहुत हो चुका, अब ये सब खत्म करने का समय है, सही करने का समय है। सारे दोस्तों ने उसे हिम्मत दी और सब खिलखिलाकर हंस पड़े। रात में निसरीन की माँ ने उसकी शुरू होने वाली जिंदगी के बारे में समझाया, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी के बारे में बताया। हमें बहुत फक्र है कि तुम हमारी बेटी हो, इस घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। और दोनों ही भावुक हो गए। शादी का दिन आया, सबने खुलकर उन्हें दुआएं दी। लिली और रोज भी शामिल है।
खाना पीना नाच गाने के बीच जमील उठकर बाथरूम गई। कुछ लड़कियां उससे पहले खड़ी है। वो बोली, मेरा पीरियड्स हुआ है, पहले अंदर जा सकती हूँ? उन्होंने उसे जाने दिया। अब अंदर उसने पर्स से एक शीशी निकाली, उसमें कुछ लाल रंग जैसा है। फिर उसने एक पैड पर वो रंग लगाकर वही छोड़ दिया। जमील 45 साल के ऊपर की हो चुकी है, उसका मेनोपॉज हो चुका है, उसे पीरियड्स नहीं होते जैसे उसके दोस्तों को होता है, क्योंकि वो सब उससे बहुत छोटी है और वो ऐसा इसीलिए करती है ताकि लोगों को लगे कि वो अब भी जवान है। वो खुद को उनकी हम उम्र दिखाना चाहती है। अब इधर पार्टी में यूसुफ और लायल पहले तो एक दूसरे को दूर से देख रहे थे, अब पास आकर नाच रहे हैं, यानी कि लायल खुद को एक और मौका देने को तैयार है। अगले दिन सिहम पार्लर आई और बोली, मुझे बाल छोटे करवाने हैं। उसके इस फैसले का मतलब है कि वो घर वालों का, समाज का सामना करने को अब तैयार है और शायद रीमा को अपनाने के लिए भी। अब तक जो आपने सुना, जो देखा, ये सिर्फ इनके जिंदगियों की एक झलक थी। इनका ये सफर यही खत्म नहीं होता। महिलाएं जो अपने लिए खड़ी होती है, अपने फैसले खुद लेती है, मानती हूँ हर फैसले सही ना भी हो, मगर ये उन फैसलों से कहीं बेहतर है जो परिवार आपके लिए लेते हैं। हर रोज जिंदगी से उम्मीद लेकर, खुद को मौका देकर, बड़ी हिम्मत से वो रोज एक नया जंग लड़ती है। बस कहानी यही खत्म होती है। पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, प्यार पक्के से देते रहे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।